हमारे जो चेयरमैन आशियाना हाउसिंग लिमिटेड के मिस्टर ओम गुप्ता, उनका एक सपना था कि हम अपने वर्कर्स को अच्छी से अच्छी ट्रेनिंग दें, उनका स्किल डेवलप करें, जिससे कि हमारे कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में बेटरमेंट हो। आशियाना ट्रेनिंग स्कूल एक बहुत ही अच्छा प्लेटफार्म है जो इन वर्कर्स को एक प्लेटफार्म देती है कि आकर के यहाँ ट्रेनिंग लें, और ये सारा का सारा खर्च आशियाना खुद बियर करती है। स्किल्ड लेबर का कमी इंडिया में काफ़ी है। ट्रेनिंग एक तरह से लाइफ लाइन हो गई है। हमने अब तक 7 से 8 ट्रेड में ट्रेनिंग दी है लोगों को। छः महीने मैंने बीएल का काम किया, फिर उसके बाद हमारे फोरमैन ट्रेनर थे जो को मेसन की ट्रेनिंग के बारे में बताया। पर डे मेरे को एक दिन का 225 रुपये मिलता था मेसन में, और असिस्टेंट मेसन लेवल की जब से ट्रेनिंग की है तो मेरे को पर डे 500 रुपये का मुनाफा होता है, और इससे मैं अपना घर का खर्चा भी और अपने शौक़ भी पूरे कर सकता हूँ। तकनीकी शिक्षा का सबसे बेहतरीन फ़ायदा क्या है कि उनकी कार्य प्रणाली में सुधार आता है। यही ट्रेनिंग के दौरान कुछ दिन काम करने के बाद हमें इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर में नियुक्त किया गया। हमारे यहाँ जो वर्कर ट्रेंड होते हैं वो हमारे आशियाना हाउसिंग लिमिटेड में भी काम कर सकते हैं, या वो बाहर जाकर के भी किसी दूसरे इंडस्ट्री बिल्डर के पास जाकर के काम कर सकते हैं। तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के बाद वो बेहतर तरीके से कार्य प्रणाली को अंजाम देते हैं, और ये एक बेहतर मंच है उनके लिए, उनके जीवन शैली को ऊपर उठाने के लिए। ट्रेनिंग करने के बाद हम लोग को एहसास हुआ कि हम लोग लेडीज होते हुए हर किसी से कंधा मिलाकर चल सकते हैं। ये ट्रेनिंग ना होती तो वैसे ही होते बेलदार सर। आगे मैंने सोचा है कि मैं भी ट्रेनिंग पूरी लेके मैं भी एक ट्रेनर बनूं।